फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LTE मैक स्केड्यूलर। अब देखिए, जो मैक लेयर होती है LTE की, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो फिजिकल लेयर के काफी करीब होती है, हार्डवेयर से काफी करीब होती है। तो जो स्केड्यूलिंग का पार्ट होता है, रिसोर्सेज को कैसे स्केड्यूल किया जाता है यूईस के, वो सारा काम मैक स्केड्यूलर करता है, जो कि आपका ईनोड भी में भी होता है और यूई साइड पे भी होता है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये स्केड्यूलर, मैक स्केड्यूलर होता क्या है। सबसे पहले, व्हाट इज LTE स्केड्यूलर? अब देखिए, स्केड्यूलिंग होता क्या है। स्केड्यूलिंग इज ए प्रोसेस थ्रू विच ई नोड बी डिसाइड्स विच यूई शुड बी गिवन रिसोर्सेज। अब देखिए, स्केड्यूलिंग से ये पता चलता है कि जो ई नोड भी है वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन से यूई को रिसोर्सेज देने हैं, एंड हाउ मच रिसोर्स शुड बी गिवन टू सेंड और रिसीव डेटा। अब देखिए, जो डेटा आप सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए जिसकी हेल्प से आप उस डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज एलोकेशन जो होता है, ये ई नोड भी करता है यूईज को। स्केड्यूलिंग इज डन एट पर सबफ्रेम बेसिस। अब देखिए, जो स्केड्यूलिंग होती है वो सबफ्रेम बेसिस पे होती है। अब 10 मिली सेकेंड का एक फ्रेम होता है जिसके अंदर 10 सब फ्रेम होते हैं, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है एवरी 1 मिली सेकेंड स्केड्यूलिंग इज डन एट सब फ्रेम बेसिस। द एंटिटी विच इज गवर्न दिस इज नोन एज स्केड्यूलर। उसको हम स्केड्यूलर बोलते हैं, जो कि ये एलोकेट करता है रिसोर्सिस को एवरी 1 मिली सेकेंड के अंदर। अब देखिए, जो LTE स्केड्यूलर होता है, ये फिजिकल लेयर के ऊपर होता है। जो LTE मैक स्केड्यूलर होता है, फिजिकल लेयर, सबसे नीचे लेयर जो होती है, हमारी फिजिकल लेयर होती है, उसके ऊपर होता है। मैक स्केड्यूलर असाइंस बैंडविड्थ रिसोर्सेज टू यूजर इक्विपमेंट। जो हमारे बैंडविड्थ के रिसोर्सेज होते हैं, वो यूई को असाइन करते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग हाउ मच अपलिंक एंड डाउनलिंक चैनल आर यूज बाय द ई नोड बी एंड यूईज ऑफ ए सेल। अब देखिए, जो हमें चैनल एलोकेट किए जा रहे हैं, उसको भी ये डिसाइड करता है कि डाउनलिंक या अपलिंक में कौन से चैनल कैसे असाइन करने हैं। तो वो काम भी मैक स्केड्यूलर का होता है। इट ऑल्सो एनफोर्सेज द नेसेसरी QoS फॉर यूई कनेक्शंस। अब देखिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूईस को जिस टाइप की उसकी प्रायोरिटी होती है, जैसे कॉर्पोरेट कनेक्शन है सपोज आपका एयरटेल का, तो आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस बेटर होगी एज कंपेयर टू जो कि नॉर्मल प्रीपेड कनेक्शन है। तो क्वालिटी सर्विस भी ये मेंटेन करके चलता है। अब QoS इज सेट ऑफ रूल दैट कम फ्रॉम PC। अब देखिए, कोर नेटवर्क के अंदर एक एलिमेंट होता है PCRF, पॉलिसी एंड चार्जिंग रूल फंक्शन। वही हमारे को पॉलिसी बताता है कि कौन से रूल्स हमें यूई के ऊपर फॉलो करने हैं। मैक स्केड्यूलर हैज कंट्रोल ओवर द OFDM मॉड्यूलेशन इन द सेंस दैट इट डिसाइड्स According to information received from other LTE network components। अब देखिए, जो OFDM modulation scheme होती है, उसको भी control करके रखता है MAC scheduler, कि उसको जैसी information different LTE components से मिल रही है, उसके according ही वो decide करता है कि how much bandwidth each UE receives at any given moment। बहुत सारी UEs हैं, अब उसको किस type पे कौन सी UE को कौन सी bandwidth देनी है, क्या उसको resources allocate करने हैं, ये सब मैक स्केड्यूलर का काम है। अब देखिए, इस डायग्राम में देखिए, यहां पे ये हमारा लेयर है RLC मैक और फिजिकल लेयर, ये स्टैक में इसी तरह से होती हैं, और यहां पे हायर लेवल्स लेयर्स एंड कोर नेटवर्क। RLC ने डेटा मैक मल्टीप्लेक्सिंग करेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ब्लॉक जो मैक बनाएगा उसको सेंड कर देगा फिजिकल लेयर पे, और नीचे हमारे रेडियो वेव्स हैं। अब देखिए, जो RLC से हमें बफर स्टेटस रिपोर्ट मिलती है, बफर स्टेटस रिपोर्ट का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। PCRF हमें पॉलिसीज और QoS देता है, और फिजिकल लेयर रेडियो चैनल कंडीशंस देती है। बेस्ड ऑन दैट स्केड्यूलिंग डिसीजंस, जो मैक स्केड्यूलर है वो मैक मल्टीप्लेक्सिंग को भेजता है। तो ये पूरा स्केड्यूलर का डायग्राम है, जो सारी लेयर्स हैं वो किस तरह से मैक स्केड्यूलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है उसकी हेल्प से ये स्केड्यूल करता है रिसोर्सेज को। बफर स्टेटस फ्रॉम द अपर लेयर अबाउट हाउ मच डेटा इज क्यूड अप वेटिंग फॉर द ट्रांसमिशन। अब बफर स्टेटस से ये पता चल जाता है कितना डेटा
अभी क्यू डे जो आने वाला डेटा है, अपकमिंग जो डेटा है ट्रांसमिशन के लिए, उससे मैक स्केड्यूलर को पता चल जाता है किस हिसाब से उसको रिपोर्ट रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। QoS डेटा PCRF से आ जाता है, जैसे मिनिमम गारंटेड बैंडविड्थ क्या होगी, मैक्सिमम अलाउ बैंडविड्थ, पैकेट लॉस रेट्स, रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ यूजर्स, ये सब डेटा PCRF मैक स्केड्यूलर को दे देता है। तो ये तीन चार एलिमेंट आपको ध्यान रखने हैं कि बफर स्टेटस, QoS पॉलिसीज, रेडियो चैनल कंडीशंस, इसके बेस पे मैक स्केड्यूलर स्केड्यूलिंग डिसीजंस लेता है और डेटा भेज देता है मैक मल्टीप्लेक्सिंग को। तो इस तरह से ये जो मैक स्केड्यूलर है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है डिफरेंट एलिमेंट से। अब देखिए जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जो मैक लेवल पे होती हैं, वो कोई सी भी हो सकती है, राउंड रोबिन होती है, प्रोपोर्शनल फेयरनेस, स्केड्यूलिंग फॉर डिले, लिमिटेड कैपेसिटी, और भी कई सारी ये होती हैं। तो आप कुछ इनके इन्हें पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी होती हैं और ये कैसे काम करती हैं, तो आपका जो स्केड्यूलिंग कंसेप्ट है वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। स्केड्यूलिंग कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछा भी जाता है। तो राउंड रॉबिन में क्या होता है, यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस एंड यूजिंग इक्वल बैंडविड्थ फॉर ऑल यूज विदाउट अकाउंटिंग फॉर चैनल कंडीशन, सबको इक्वल बैंडविड्थ फॉर ऑल यूज विदाउट अकाउंटिंग फॉर चैनल कंडीशन, ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन द QoS प्रायोरिटीज एंड टोटल थ्रूपुट यूजुअली प्रिफर्ड इन कमर्शियल नेटवर्क, जो भी हम कमर्शियल नेटवर्क होते हैं उसके अंदर नॉर्मली ये यूज होता है। और थर्ड है स्केड्यूलिंग फॉर डिले लिमिटेड कैपेसिटी, गारंटीज दैट द मैक स्केड्यूलर विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज एप्लीकेशन विद स्पेसिफिक लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो तीन है हमारी एल्गोरिथम्स है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स जो हमारी प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर जो मैक लेयर है वो यूज करती है, विद द हेल्प ऑफ दैट स्केड्यूलिंग हैपन्स एट द ईनोड बी साइड और एट द यूई साइड। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा स्केड्यूलिंग के ऊपर तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के और नए नए वीडियोस आपके मोबाइल फोन पे और आपके ईमेल आईडी पे आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।